दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल देख ली होगी कि हम कैसे गूगल प्ले स्टोर में से ऐप इंस्टॉल हुए उसके हमें एपीके नहीं मिलती, इसलिए हम एक बार उसे अनइंस्टॉल कर देते तो फिर से उसे इंस्टॉल कर देना पड़ता है और इसमें हमारा इंटरनेट थोड़ा ख़त्म होता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल प्ले स्टोर या किसी कहाँ से भी डाउनलोड किए हुए ऐप को आप एपीके में बदल सकते हैं और वो एपीके फाइल कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी कर लीजिए। तो आपको दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे लिख देना होगा एपीके एक्सट्रैक्टर। अच्छी तरह से यहाँ से लिख देना होगा, देख सकते हैं आप मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दीजिए और बिल्कुल पहले नंबर पर इस सिंबल का आ जाएगा, इसे इंस्टॉल कर दीजिए और इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों इसे ओपन कर दीजिए। और ये ओपन होने में आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट कौन कौन सी है वो आपको दिखाने लगेगा, तो इसको थोड़ा वक्त ले सकता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इतने सारे मेरे एप्लीकेशन हैं, यहाँ पे आपको कौन सा एप्लीकेशन चाहिए उसे आप फिर से एपीके में बदल सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आप जैसे अर्थ, गूगल अर्थ को कर देना हो, सिर्फ कर देना है एक क्लिक और ये हो जाएगा सेव। तो ये डायरेक्ट सेव होता है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही जल्द ये सेव होता है। आपको फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे इसे एक्सट्रैक्टेड एपीके। तो देख सकते हैं ये अर्थ आ गया, ऐसे आप बहुत कुछ एपीके कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूले, अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।